देश की कुछ ऐसी प्रमुख सीटें हैं जिन पर हो रहा लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प है। ऐसी ही एक सीट हैदराबाद की लोकसभा सीट है, जहां एक तरफ चार बार के सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी की माधवी लता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के सामने बीजेपी ने सियासत में एंट्री कर रही माधवी लता को टिकट देकर सभी को हैरान कर दिया था। ओवैसी जैसे लोग, कांग्रेस जैसे पार्टियां लोगों में गलत फहमी उठाने के लिए, गलत मैसेज भिजाने के लिए बहुत बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। अगर भाजपा में एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन निकालना होता तो क्या एक एसटी महिला मुर्मू जी को इस देश का प्रेसिडेंट बनाया जाता। लोकसभा चुनाव के बीच छिड़ी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर भी बवाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माधवी लता और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में आमने सामने हैं और एक दूसरे पर हमलावर हैं। माधवी लता और असदुद्दीन ओवैसी के बीच छिड़ी जुबानी जंग लगातार जारी है। इसी बीच एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी माधवी लता ने एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर बात करते हुए ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी जैसे लोग और कांग्रेस जैसी पार्टियां लोगों के बीच गलत फहमी फैलाने के लिए बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये लोग गलत बात करना, वीडियोस को एडिट करके गलत वीडियोस आवाम के अंदर पहुंचाना और लोगों के ऊपर गलत इल्जाम लगाना, खास कर बीजेपी के ऊपर जो लोगों के हित में काम कर रहे हैं, इनका ये जिंदगी का आम आदत हो गया है, दिन का दिन आदत हो गया इनका। ऐसा कहीं पे भी बीजेपी के सरकार का कोई अधिष्ठान ने आज तक ये नहीं कहा है कि एससी एसटी ओबीसी किसी का भी रिजर्वेशन निकालेंगे। जो ये लोग गलत बात करते हैं वो इस मुद्दा पे निकाल के बात कर रहे थे जो बेंगलोर में हुआ था, जहां पर ये लोग 4% की रिजर्वेशन मुस्लिमों को देने के बाद कह रहे थे, वहां पे ये लोग गलत फायदा उठा रहे थे हर बात का। तब अमित भाई ने ये क्लैरिटी दी थी उनको। जिस वीडियो को ये लोग एडिट कर अपना मनमानी कर रहे हैं, उनके ऊपर केस भी दर्ज करे हैं। अब जल्दी वो लोग बाहर निकलेंगे, उनको कड़ी सी कड़ी सजा होगी। जो हमारे ऊपर ऐसा गलत अफवाह फैला रहे हैं लोग, उनका भी जो एडिट करे हैं और उनको भी जिसने इसका फायदा उठाने की कोशिश करे हैं। अगर भाजपा में एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन निकालना होता तो क्या एक एसटी महिला मुर्मू जी को इस देश का प्रेसिडेंट बनाया जाता? ये आवाम को सोचना पड़ेगा। ओवैसी जैसे लोग, कांग्रेस जैसे पार्टियां लोगों में गलत फहमी उठाने के लिए, गलत मैसेज भिजाने के लिए बहुत बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अब आवाम को ये जागृत होना पड़ेगा कि जिस देश में 10 सालों से इतना शांति है, जो अमन है, यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर हमारे मोदी भाई और अमित भाई आगे बढ़ रहे हैं, उन पर भरोसा करने पर ही आपकी भी जीवन भाग्य के तरफ और अभिवृद्धि की तरफ जाएगी। गौरतलब है कि हैदराबाद लोकसभा सीट पर 13 मई को एक साथ मतदान होगा, जिसके लिए सभी पार्टियों के बीच रस्साकशी जारी है। अब देखना अहम होगा कि माधवी लता और ओवैसी के बीच छिड़ी ये जुबानी जंग और कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।